क्या आपने भी नए डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है? तो जरा सावधान रहें, हो सकता है आप कार्ड का इंतजार ही करते रह जाएं और दूसरा कोई आपके कार्ड से ठगी करने का प्लान बना रहा हो। दिल्ली के रोशन आरा रोड निवासी एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। महिला जब तक कार्ड ब्लॉक करा थी, उनके अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकल गए। महिला ने सब्जी मंडी थाने में केस दर्ज करा है। पुलिस के मुताबिक महिला ने चिप वाले डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। बैंक की ओर से बताया गया कि 9 दिसंबर 2018 को उनका नया कार्ड भेजा जा चुका है। वे अपना कार्ड चेक कर सकती हैं। चेक करने पर पता चला कि उनका कार्ड किंग्सवे कैंप इलाके की बैंक शाखा में वापस पहुंच चुका है। गूगल पर सर्च करने पर उन्हें एक फोन नंबर मिला। उन्होंने उस नंबर पर फोन किया तो आरोपी ने बताया कि उनका कार्ड वापस आ गया है। आरोपी ने महिला से कहा कि उनको चिप वाला कार्ड दोबारा भेजना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें अपने पुराने कार्ड के आखिर के 6 नंबर बताने होंगे। नंबर बताने के बाद महिला के फोन पर एक ओटीपी आया। आरोपी ने बहाने से वो ओटीपी भी पूछ लिया। 5 मिनट बाद ही उनके खाते से 5,000 रुपए कट गए। वो तुरंत घर के पास मौजूद बैंक पहुंची। इतनी देर में उनके खाते से 40,000 रुपए निकल चुके थे। जब तक बैंक ने उनका कार्ड ब्लॉक किया, तब तक 1,00,000 रुपए की सेंध लग चुकी थी। अब महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।